चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमें तो उनकी कोई भी निर्णय अगर वो लेंगे तो मान्य तो है, लेकिन संदेह इस बात का है कि कहीं इनके साथ धोखा ना हो जाए। अगर आप बीजेपी में जाते हैं आरएलडी, तो 2 MP आ जाएंगे, 3 MP आ जाएंगे, लेकिन जो 2027 का आने वाला चुनाव होगा वो बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म करा देंगे इनका। और बाकी रहा बीजेपी का मामला, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी नहीं है, ये मोदी की बीजेपी, मोदी की बीजेपी है, इनका कोई यकीन भी नहीं है। सर, अगर मुजफ्फरनगर में सहमति बनती है तो सपा के साथ रहने में बेहतर होगा, बेहतर ही है। हाँ जी, हम तो मोदी के और अमित शाह के खिलाफ है, क्योंकि किसानों का शोषण करती है पार्टी, कभी किसानों के साथ नहीं रही। CCA में आपका स्वागत है। आज पश्चिमी यूपी का एक बहुत बड़ा सवाल जो सबके सामने खड़ा हुआ है वो ये है कि क्या चौधरी जयंत सिंह को और उनकी राष्ट्रीय लोकदल को भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं। इसी सवाल को पूछते हुए हम पश्चिम यूपी के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर तक जा रहे हैं, आम लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से उनकी राय पूछ रहे हैं इस बारे में। आमतौर पर बहुत बड़े निर्णय राजनीतिक लीडर ले तो लेते हैं, लेकिन वो निर्णय लेने से पहले अपनी ही जनता की आवाज़ नहीं सुनते हैं। उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में अब हम यहाँ पर बागपत ज़िले के खेकड़ा कस्बे में हैं और यहाँ के निवासियों से इसी बात को आगे लेकर जाएंगे। जी साहब, CCA में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम साहब? पूछे धर्मपाल से। धर्मपाल जी, आपको क्या लगता है, आप यहाँ खेकड़े के हैं, बागपत ज़िले के हैं, क्या ये गठबंधन भाजपा के साथ, वैसे कोई औपचारिक रूप से तो अभी तक रालोद से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन अगर इन अफवाहों पर या इस मीडिया की खबरों पर इस पर भरोसा किया जाए तो क्या ये गठबंधन होना चाहिए? देखिए, अखबारों के द्वारा और जो टेलीविजन वगैरह देखते हैं, LED वगैरह, उसमें तो कई दिन से ये सब चल रहा है, लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि चौधरी साहब को उधर जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में तो चूंकि हम तो चौधरी साहब के बड़े, चौधरी साहब आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी के टाइम से ही चूंकि इस परिवार से बंधे हुए हैं, हमें तो उनकी कोई भी निर्णय अगर वो लेंगे तो मान्य तो है, लेकिन संदेह इस बात का है कि कहीं इनके साथ धोखा ना हो जाए। चौधरी जयंत सिंह जी पढ़े लिखे, इंग्लैंड पढ़े हैं, बड़े ईमानदार किस्म के राजनेता हैं, तो जिस तरह की और पार्टियों में ये सब चल रहा है, अल्टी मार पलटी मार इधर उधर ये सब, वो तो चौधरी साहब बेहतर जानते होंगे इसके बारे में क्या निर्णय उन्हें लेना चाहिए। लेकिन हम इसलिए खुश नहीं हैं, और यदि चौधरी साहब जो निर्णय लेंगे वो तो सिर्फ सर माथे पर है, सर माने, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। चलिए, आप कह रहे हैं कि जो भी उनका फैसला होगा आप उनके साथ हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं लेकिन इस फैसले से आप खुश नहीं हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका फ़ायदा उठा लिया जाएगा, या खुश क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि एक ज़माना था जब हिंदुस्तान की राजनीति में कितने अच्छे अच्छे नेता थे। अब मैं सुनता हूँ रेडियो पे और उसमें सोशल मीडियाज में देखते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के 1954 के भी स्टेटमेंट निकाल करके उसमें मीन लेख निकाल रहे हैं, उनको एक ऐसा वो पेश कर रहे हैं कि जैसे वे कुछ जानते ही नहीं थे, दया के पात्र थे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ कितने लैंडलाइन फ़ोन थे हिंदुस्तान में, कितने हवाई जहाज़ थे, जब कच्ची कुआ खोद के मिट्टी का और बाल्टी बांध के उसमें एक बल्ली में ढेंकली कहते थे उससे पानी निकालते थे, फिर रहट आया। मैं करीब 76 साल का हो गया, हमने दिल्ली भी देखी सब, लेकिन पहले भी नेता देखे हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, वो सब, लेकिन आज की जो ये जमात है, हमें तो देख के बड़ा अफसोस होता है कि इस देश का किधर जा रहा है, देश में क्या होगा। आपका नाम सर? मेरा नाम अमित धामा है सर। अमित जी थोड़ा जोर से। हाँ जी, अमित धामा। अमित धामा, अमित जी क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। जॉब कहाँ? अपनी खुद ही कंपनी चला रहा। कंपनी है आपकी, ठीक है।
अमित जी, ये जो पूरी खबरें चल रही हैं, क्या आपको आपको क्या लग रहा है कि ये गठबंधन होना चाहिए भाजपा के साथ रालोद का या नहीं? सर देखो, जहाँ तक हमारा मानना है, वैसे तो जो निर्णय चौधरी साहब का होगा वो सर्वमान्य होगा जी, लेकिन जो अपने विचार है होना नहीं चाहिए। इनका क्या काम है सर, जो छोटी पार्टियां हैं उनको लुभावने मौके दे करके और अब अपने हित में कर लेगी वोट लेने के लिए, वोट हित के लिए। जैसे ही इनकी सरकार आएगी उन पार्टियों को ख़त्म करा दिया जाएगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा। अब आरएलडी का जो वोट बैंक है पहले के मुकाबले 2014 के सर्वे देखो, 2019 के देखो दो तो बड़ा है उसके मुकाबले। आज तक आरएलडी का यूपी में 9 विधायक है, एक राजस्थान में भी है, पहले 2014 में 0 था वोट बैंक। तो अगर आप बीजेपी में जाते हैं आरएलडी तो 2 MP आ जाएंगे, 3 MP आ जाएंगे, लेकिन जो 2027 का आने वाला चुनाव होगा वो बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म करा देगा इनका। लोग छपरौली भी शायद नहीं बच पाएगी, जिसमें कि छपरौली 2014 में भी बची हुई थी इनके पास बिल्कुल, हालांकि बाद में इधर चली गई, कोई वो बात अलग है, लेकिन 2014 में भी जिस टाइम पे इनकी आवाज़ मतलब बीजेपी ही बीजेपी हो रही थी मोदी मोदी हो रही थी, उस टाइम पे भी दो लोकदल के लोकदल का MLA था, और जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी इनके सामने, वो 0 पे थी उस टाइम जी। तो कहने की बात यह है, जहाँ तक हमारे विचार है इनको जाना नहीं चाहिए। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वोट बढ़ा है पिछले दिनों में रालोद का, और कई लोग ये कहेंगे कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये किसान आंदोलन जो 13 महीने चला था दिल्ली की सरहदों पर। उस किसान आंदोलन के बाद 750 किसान वहाँ शहीद भी हुए, उस किसान आंदोलन के बाद कितना सही होगा जैन जी का भाजपा के साथ जाना? तो मेरे विचार में तो जाना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वही मुद्दा पहले था। अगर ये MSP को जाने से पहले लागू कर दे, मैं मानता हूँ उसको बिल पास कर दे तो जाने का लाभ है, आरक्षण दिला दो जाटों को, जाने का लाभ है, लेकिन क्या काम करेंगे? अब तो लुभावने मौके दे रहे हैं भाई, जैसे एक पद मिल जाएगा, दो पद मिल जाएंगे मंत्रिमंडल में, लेकिन 2027 में क्या मिलने वाला है? 2027 में तो जनता ही चुन के लाएगी ना एक मुख्यमंत्री यूपी का। जी साहब, आपका नाम तो? जयप्रकाश है जी। हाँ जी, जयप्रकाश है। तो बाबूजी, आप बताइए, ये गठबंधन क्या चौधरी साहब को करना चाहिए भाजपा के साथ? भाई देखो, दोनों ही बात है इसमें, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, दोनों ही बात है इसमें। हाँ जी। एक बात तो यह है, इसका अखिलेश का भी कोई यकीन नहीं है जी, क्यों ये वैसी शर्त लग रहा, 7 सीट दे रहा, 4 पे अपने लड़ा हुआ आदमी, तो यकीन क्या है इसका? पहले इलेक्शन में भी ऐसे MLA के में भी ऐसा ही करा इसने, जो सीट मुख्य सीट की भी आप ले ली जाटू की, तो वरना जयंत को मिली ना उसे मिली, तो उसका परिणाम गलत ही तो हुआ था। अब फिर वही बात आ गई, MP मेरा रहेगा और जो है चुनाव चिन्ह आपका रहेगा, वाई शर्त फिर दर, तो इसका रवैया बहुत गलत है। और बाकी रहा BJP का मामला, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की BJP नहीं है, यहाँ ये मोदी की BJP, मोदी की BJP है, इनका कोई यकीन भी नहीं है। इस बार जो आप कह रहे हैं अखिलेश के साथ जो कहीं ना कहीं सुई अटक रही थी, वो मुजफ्फरनगर की सीट पर हरिंदर मलिक की कैंडिडेचर को लेकर अटक रही थी, अब अगर उसको सुलझा दिया जाए और मान लीजिए चौधरी साहब के मर्जी का उम्मीदवार वहाँ खड़ा किया जाए, तो फिर आपके हिसाब से उनको सपा में जाना चाहे या भाजपा में जाना चाहे? सीट तो 4 पे मांग रही है, तो 4 पे नहीं, मैं कह रहा हूँ 7। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि 7 सीटों में 4 पे है। हाँ, लेकिन अटके असली मुजफ्फरनगर पर ही अटक हुई थी, तीन तो भी अटकेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मतलब कैराना से भी इकरा हसन को नहीं मिलना चाहिए? ना ना ना, बिल्कुल। अच्छा सर, देखो जहाँ तक मानने की बात यह है कि अगर सपा की बात की जाए तो सपा के साथ भी गठबंधन पे विचार विमर्श नहीं होने के बाद सहमति नहीं बनती, तो चौधरी साहब को हमारे विचार में निर्दलीय लड़ना चाहिए, कोई से दल के साथ गठबंधन ना करके, उसमें ज़्यादा सीट आ जाएगी BJP से बेहतर। तो मतलब मान लो ये तो कह रहे हैं कि सातों के सातों पर हमारे हों, लेकिन कई ऐसा भी दिक्कत है कि रालोद के वोटर तो हैं लेकिन उस तरह से नेता बनाने में थोड़े से असक्षम रही है पार्टी, तो मान लीजिए चलिए कि
मुजफ्फरनगर में वो बात सुलझ जाए, फैसला हो जाए, तो क्या आप फिर भी इसी पक्ष में होंगे कि निर्दलीय जाएं या सपा के साथ जाएं या भाजपा में जाएं, क्या बेहतर होगा सबसे ज़्यादा? सर अगर मुजफ्फरनगर में सहमति बनती है तो सपा के साथ रहने में बेहतर होगा। बेहतर ही है। आपका नाम जी? राम निवास। राम निवास जी क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं आप? किसान हैं। किसान पश्चिम का अक्सर यही मानता था कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है और अभी भी मानता है जैसे आप कह रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी अगर भाजपा के साथ अभी गठबंधन करे इस दौर में तो आपका क्या कहना है? ये भाजपा से गठबंधन हो गया, मोदी से गठबंधन होगा जी। हम तो मोदी के और अमित शाह के खिलाफ है क्योंकि किसानों का शोषण करती है पार्टी, कभी किसानों के साथ नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई द्वेष भावना नहीं है। तो जैसे बाबूजी कह रहे थे कि अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा अलग थी और मोदी की भाजपा अलग है, क्या आप भी यही कह रहे हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, हम तो इन गुजराती चोर कहे जहाँ, क्योंकि पूरे भारत में सब सौदा बेच लिया इन्होंने। कभी चाय बेचने वाला बन जा, कभी पकौड़े तलने वाला बन जा, ये तो जुमलेबाज है। आप किसान आंदोलन पर गए थे ये जो 13 महीने का आप किसान? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ? गाजीपुर जाते थे? गाजीपुर जी। तो इस किसान आंदोलन पूरे किसानों के साथ में अत्याचार हुई है, भाले गढ़वा दिए, बॉर्डर बनवा दिए, जैसा कि भारत चीन का युद्ध हो रहा हो जाए, मतलब वो कुर्बानियाँ भी हुई, पूरी कुर्बानियाँ भी दी गई हैं, पानी भी डलवाया गया, गंदा पानी उनके पास में, ओड़े पाड़े में मरे किसान, लेकिन उनके पास कुछ क्षण नहीं है एक बार भी। क्या दिल्ली से दूर था वो? 750 के करीब शहादतें भी हुई थी। हाँ जी। तो क्या आपको लग रहा है कि उसके बाद जाना चाहिए भाजपा के साथ? देखो जी, हम तो मतलब आप तो मना कर रहे हैं कि नहीं जाना चाह नहीं, लेकिन हम, आम हम तो ये कहते हैं कि वे समझदार ज़्यादा हैं क्योंकि उन लोगों में रहते हैं जी, उन्हें ज्ञान है इस बात का, बाकी जैसे उनकी मर्जी होगी, चलेंगे तो रहेंगे तो हम उनके साथ ही जी, जान से रहेंगे। लेकिन आप क्या चाहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि बेहतर सपा के साथ ही रहना होगा, या आपने कह ही दिया है लगभग, लेकिन मैं फिर से पूछूंगा बेहतर क्या होगा? बेहतर तो जी यदि किसानों का जो फायदा करेगा, इनका शोषण ना करे, तो ये कहीं भी जाओ हमें कोई परेशानी नहीं है जी। हाँ, लेकिन शोषण कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? शोषण तो मोदी कर ही रहा है जी, और तो कौन करेगा अभी, फिलहाल तो इन्हीं के सिर पे है जी। ठीक रहा। तो अगर चौधरी साहब जाते हैं भाजपा के साथ तो क्या आप लोग विरोध करेंगे या मतलब दिल पर पत्थर रख के साथ ही जाएंगे? विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे, छाती खोल कर उनके साथ रहेंगे। ठीक, कहीं जाओ वे। ठीक नहीं, तो मेरा सवाल यही है कि जहाँ हम घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई अगर वो भाजपा के साथ गए तो, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे यहाँ पर कि हम तो साथ फिर भी जाएंगे लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो घर बैठ जाएंगे और कुछ लोग कह रहे हैं हम खुल के विरोध करेंगे। आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े थे जिनकी भावनाएँ वो बन चुकी है, वो काफ़ी नाराज़ भी हो रहे हैं कि ऐसे वक्त पर आप मोदी का कैसे सोच रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि अगर ये गठबंधन की बात ना बने, मतलब और मोदी, तो आपको लग रहा है कि किसानों का एक तबका जो लगभग आंख बंद करके, और खासकर कि 2013 के दंगे के बाद बहुत सारे किसान जो छोड़ गए थे भाजपा रालोद को, बहुत सारे किसान वो वापस आए हैं, क्या आपको लग रहा है कि फिर से वो आंख बंद करके नलके पर ही लगाएंगे या कुछ लोग छिटेंगे? देखिए साहब, जहाँ तक चौधरी साहब के परिवार से जुड़ने की बात है, जब अंग्रेजों की सरकार थी, अमन सभाई और धारा सभा कांग्रेस की भी इंटरिम गवर्नमेंट बनती थी, 1936 में भी हम सब खेकड़े वाले आसपास के गांव चौधरी साहब के साथ रहे थे, और छपरौली की सीट 1936 से चौधरी साहब की विरासत की सीट है, हम इसको दाग नहीं लगा सकते। जो निर्णय चौधरी साहब का होगा वो बड़ा, हम ना उसके लिए कोई पश्चाताप करेंगे ना कुछ करेंगे, उसी रास्ते पे चलेंगे। उस टाइम से बात देखी जाए, जो पहले वाली बीजेपी थी और अब वाली बीजेपी है, तो अब बीजेपी की राजनीति काफ़ी गंदी घटिया हो चुकी है, क्योंकि जो वादे करते हैं वो कभी भी इनके पूरे ही नहीं होते। किसी को रोज़गार मिला, और जो रोज़गार थे सरकारी नौकरियाँ थी वो प्राइवेट सेक्टर में पहुँचा दी सारी। अब एक दिल यूपी पुलिस की भर्ती की बात कर लो जो निकली है अभी, इसको हटाते हटाते क्या करेंगे, इस भर्ती को लटका दिया जाएगा।
क्या वीर भी हुए हैं। इनका क्या काम होता है कि बच्चे किसान, सभी किसानों के बच्चे होते हैं, इतना इतने अमीर नहीं होते, फार्म भरते हैं और वैसे रहते हैं। ये अगर 40 लाख युवाओं ने फार्म भरे तो उसका पैसा लगाओ कितना हो गया। तो कम से कम एक भर्ती क्लियर तो होनी चाहिए ना पूरी है। और अब की बार अगर इनकी सरकार बीजेपी की दोबारा लौट के आती है तो पूरा सेक्टर, कोई मतलब यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई सा भी विभाग हो, टीचिंग लाइन हो, कुछ भी हो, सब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था तो बिगड़ ही रही है इनके कारण, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, जीडीपी दर आपको पता है घटती जा रही है। देश पे पहले टाइम में 2014 में कितना कर्ज था, अब कितना हो गया है बढ़ करके। यहाँ खेकड़ा कस्बा में यहाँ के कुछ किसानों से और जिम्मेदारों से बात हुई, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि वो इस गठबंधन से खुश नहीं हैं, अखिलेश की ज़िद से भी थोड़ा नाराज़ हैं, लेकिन भाजपा के गठबंधन से ज़्यादा नाराज़ हैं, भाजपा के साथ अगर चौधरी साहब का गठबंधन होता है। लेकिन ये बात भी कह रहे हैं कि चौधरी साहब जो भी फैसला लेंगे अंततः उनके साथ ही जाएंगे, वो इस सीट की अपनी एक गरिमा है और इस परिवार के ख़िलाफ़ वो नहीं जाएंगे। CCA के साथ जुड़े रहे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की खबरें आप तक आती रहेंगी। धन्यवाद। दिक्कत मां गाड़ी बेटी नगर में सी।